मार कैसर फाड़ना ना खून का बदला डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जय। इन यह हमारी एप इंटरव्यू चैनल, मेरे साथ हैं आज कैमरामैन फिरोज मलिक और मैं एमडी वानी। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉक्सिंग चैंपियन है बारामूला के, इन्होंने हाल ही जम्मू में एक गोल्ड मेडल लिया है, ये देखिए निकाला है गोल्ड मेडल, तो इस बारे में आज हम इनसे जान लेते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसर रमजान वानी है। और आप कहाँ रहते हो? मैं सोपोर में रहता हूँ, बुमई। अच्छा, आपने ये गोल्ड मेडल निकाला जम्मू में, तो ये ट्रेनिंग कहाँ से आपसे ली? ट्रेनिंग मैंने एक्चुअली अपने स्कूल में ही ली, और मेरा कोच जो है इसी से मैंने ट्रेनिंग ली अपने स्कूल में ही। अच्छा, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इस गोल्ड के लिए? बहुत मेहनत पड़ी मुझको करनी, जिसको भी गोल्ड लेना उसको मेहनत ही करनी होती है, और क्या। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो कि हाल ही जो कि कैसर रमजान वानी है कि जो जिन्होंने गोल्ड निकाला है जम्मू में, ये बहुत बड़ी बात है खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए और स्टेट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और इसके कोच से हम आज जान लेते हैं इस बारे में, दादा जिलानी साहब से। सर बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ एजाज मजीद लोन फ्राम हरवन सोपोर। सर मैंने ये कोशिश की फलाई दारीन में, जब भी मैं आया तो मैंने बहुत मेहनत लगी वहाँ के बच्चों पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन इस मेहनत का फल आज मुझे मिला, जो कि हम स्टेट रिप्रेजेंट बारामूला रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे स्टेट में, तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने गोल्ड निकाला, तो बारामूला के लिए भी ये फ़ख्र की बात है, और मेरे लिए भी ख़ास तौर पर हम मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल साहब को मिस्टर शौकत साहब को, क्योंकि उसने हमें वहाँ पर जगह दी, हमें वहाँ पोस्टिंग करवाई, इसलिए हम उसको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। और सर आप बताइए, जो कि बॉक्सिंग, मुझे नहीं लगता है बॉक्सिंग फैसिलिटी है हमारे कश्मीर में खास तौर, तो आप बताइए इस बारे में कि गवर्नमेंट कहां तक आपके साथ है? गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मदद नहीं किया यहां पे हमारे साथ, हमें अगर सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ़ हमारा स्टेट कोच जो कर रहे हैं मिस्टर फारूक साहब, वही हमारा मदद कर रहे हैं, लेकिन बारामूला में हमें कोई मदद नहीं मिलता है, यहाँ के DC साहब ने कोई मदद नहीं की हमें, ना ही किसी ने की मदद हमें, हम खुद ब खुद अपने आप ही करते हैं सब कुछ। अच्छा, आप जो भी ये खर्चा होता है ये कहाँ से आप निकालते हैं? सपोर्ट्स काउंसिल से होता है। अच्छा, सपोर्ट्स काउंसिल आपको देता है, ये भी गवर्नमेंट इदारा ही है, तभी आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। जी, लेकिन हम सामान की बात करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे पास, इतने खास इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो कि हमें करना चाहिए, मतलब हमारे लिए होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे लेवल पे तक पहुँचाए, हमें सिर्फ अपने बच्चों से भी कुछ लेना पड़ता है और ख़ुद भी अपना खर्च करना पड़ता है, इससे हम अपने इक्विपमेंट्स लाते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, जो कि बारामूला की गवर्नमेंट है, जो कि हमारे कश्मीर की गवर्नमेंट है, इससे क्या आप कहना चाहते? हम यही कहना चाहते हैं, हमारी मैसेज ये हैं कि ताकि हम लोगों को हेल्प कीजिए, हम आगे बढ़ जाएं, हम नेशनल रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करें, जब गवर्नमेंट का हाथ हमारे पीछे होगा तभी ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आपको प्राउड फील हो रहा है जो कि आपने, आपके एक लड़के ने गोल्ड निकाला? बहुत प्राउड फील हो रहा है, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ख्र की बात है। और कैसर से हम जान लेते हैं, कैसर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं जो कि यंग जनरेशन है, यूथ हैं आज, छोटी छोटी, आप भी खुद छोटे हो, कोई यूथ के लिए मैसेज? मेरी मैसेज यही है कि जो जितने भी बच्चे हैं वो आए और हमारी एकेडमी में ज्वाइन करें और वो भी सीख ले, ताकि वो भी आगे जा सके और मेरी तरह इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर सके। अच्छा, आप थोड़ा सा ये गोल्ड मेडल शो की लास्ट में, यही मैसेज है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, कश्मीर गवर्नमेंट से, कि बिल्कुल जो कि यहाँ की यूथ हैं बहुत टैलेंटेड यूथ हैं, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल भरा है, ये हमारे स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इनके पास फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें इनको चाहिए खेलने के लिए, बॉक्सिंग के लिए, कोई भी सपोर्ट्स हो इनको बिल्कुल भरपूर हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ की यूथ हैं बहुत टैलेंटेड यूथ हैं। बस यही गवर्नमेंट से हमारी मैसेज है लास्ट में। और मेरे साथ हैं कैमरामैन फिरोज मलिक और मैम डीवानी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।